संजय खाट की संदिग्ध अवस्था में मौत के तीसरे दिन नहीं बन पाई पोस्टमार्टम के लिए सहमति। सागवाड़ा। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना अंतर्गत गड़ा बेजनिया मोड़ के पास रणथोड़ निवासी संजय खाट की संदिग्ध अवस्था में मौत के बाद परिजनों ने हत्या का अंदेशा जताते हुए सागवाड़ा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की थी। घटना के दूसरे दिन शाम को पोस्टमार्टम के लिए सहमति बनी, लेकिन सूर्यास्त हो जाने की वजह से पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। वहीं आज सुबह पुलिस पोस्टमार्टम के लिए राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा मोर्चरी पहुंची, लेकिन परिजन अस्पताल के बाहर जमा हो गए और पुलिस थाना सागवाड़ा के बाहर जमा होकर उन्होंने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। परिजनों का कहना है कि हत्यारों को गिरफ्तार कर उन्हें सजा मिले तभी पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। वहीं पुलिस का कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती जांच अनुसंधान पूर्ण नहीं हो पाएगा। बार बार पुलिस परिजनों को समझाती हुई नजर आई, लेकिन परिजन अपनी मांग को लेकर अड़े रहे। फिलहाल परिजन सामुदायिक केंद्र महिपाल खेल मैदान के पास एकत्रित होकर विचार विमर्श कर रहे हैं। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।